हेलो फ्रेंड्स, आई एम जया और आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ कि पैसिव इनकम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए इसको फटाफट से समझ लेते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम कोई भी काम करते हैं, किस लिए करते हैं? पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं। अगर हम कहें कि आप ये काम करिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन आपको इसके बदले में कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई फीस नहीं दी जाएगी, तो क्या आप डॉक्टर बनना चाहेंगे? नहीं बनना चाहेंगे। तो पहला हमारा मोटिवेशन होता है किसी काम को करने का, वो होता है पैसा। अब क्योंकि आज की डेट में हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसका माध्यम होता है पैसा। जब हमारे पास पैसा आ जाता है दोस्तों, तो दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि उस पैसे को यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या हो, टाइम हो। यानी पैसे के बाद हमें ज़रूरत है समय की, क्योंकि यदि आपके पास पैसा ही हो, समय ना हो, तो उस पैसे का एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम ही ना हो तो पैसा आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको एक कमरे में ही बंद कर दिया जाए और आपको पूरे पैसों से भर दिया जाए उस कमरे को, आपको खाना पीना सब कुछ दिया जाए वहाँ, लेकिन आपको उस कमरे से बाहर आना जाना अलाउड ना हो, तो क्या आपको वो पैसा खुशी देगा? नहीं, कोई खुशी नहीं देगा। यानी पैसे के उपयोग के लिए आपके पास समय भी होना चाहिए, तभी तो आप पैसे का यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो फिर पैसा रखे रखे तो दीमक खा जाएगा उसे, ठीक है। दूसरा है, जब पैसा और टाइम दोनों हमारे पास आ जाएगा, तो तीसरी चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी हो, हमारे पास सुरक्षा हो, और उसके साथ हम चाहते हैं कि हमें कुछ लोग जाने, हमें पहचाने, ठीक है, हमारा हाल चाल पूछें। तो ऐसा हमें करने के लिए हमारे पास सुरक्षा हो, पहचान हो, सिक्योरिटी हो, यानी रिकग्निशन भी हो, मान सम्मान भी हो, पहचान भी हो। हमने क्या सोचा कि अभी हम जो काम कर रहे हैं, चाहे हम जो जॉब कर रहे हैं, चाहे हम खेती कर रहे हैं, या हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, यदि हम ध्यान से देखें तो इन चारों को काम करने का कारण क्या है? टाइम, हमें पैसा हमें चाहिए, टाइम मिल जाए उस काम को करने के बाद थोड़ा बहुत, सिक्योरिटी मिले, और हमारी रिकग्निशन हो, समाज में हमारी पहचान हो। तो इस आधार पे आपको दुनिया में चार तरह के लोग मिलेंगे। पहले लोग वे होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता। ये पैसे से बहुत अमीर होते हैं लेकिन समय से बहुत गरीब होते हैं। अब इस कैटेगरी में कौन लोग होते हैं? IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इनके पास इनकम बहुत है लेकिन ये जितना पैसा कमाते हैं उतना ही बिजी होते जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर की हम बात करें, अगर एक डॉक्टर आज की डेट में मान लीजिए 100 उसके यहाँ मरीज आ रहे हैं और वो 100 मरीज को देखने में उसे 5 घंटे लगते हैं, अब कल से 200 मरीज आ जाएं तो अब उसको 10 घंटे देने पड़ेंगे। यानी जितना वो इनकम करेंगे उतना ही बिजी होते जाएंगे। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनके पास पैसा तो नहीं होता लेकिन उनके पास समय बहुत होता है, इनके पास दिन भर का टाइम होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी संख्या हमारे इंडिया में बहुत है और ये सारे बेरोजगार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, रोज़गार के माध्यम बहुत कम है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इन्हें आप देखेंगे तो ये हमेशा क्या मिलेंगे आपको, घूमते फिरते मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, हम सभी लोग गाँव से बिलोंग करते हैं और आप पाएंगे कि गाँव में हम लोग क्या देखते हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं पढ़े लिखे भी हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ नहीं है तो वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं या फिर गाँव में बैठे रहें आराम से। लेकिन अब बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं, कमाना तो पड़ेगा ही, तो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते क्या करने के लिए, वहाँ पे वो काम ढूंढने के पर्पज़ से जाते हैं और वहाँ वो बहुत धनी हो जाते हैं। कहने का ये मतलब फ्रेंड्स कि आपको मौके की तलाश होती है, आप में टैलेंट तो बहुत है पर आपको मौका ही नहीं मिलेगा तो आप उस टैलेंट को दिखाएंगे कैसे? अगर आपको इस एक कमरे में बंद, मान लीजिए सचिन है, सचिन को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आप यहाँ सिक्सर मारिए, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए उनको बड़ा मैदान चाहिए, फील्ड चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे पास अवसर नहीं है, नहीं तो हम अपना टैलेंट, इंडियंस अपने टैलेंट के बल पे ही आगे बढ़ जाते हैं। मीन्स हमें माहौल नहीं मिलता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हुनर दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। कि अगर आप चिड़िया को उड़ाना चाहते हैं, उसे उड़ते हुए देखना चाहते हैं, तो उसे खुला आकाश दीजिए, ना कि एक कमरे में, एक पिंजरे में उसको बंद कर दीजिए। तो
ये जैसाई चीज़ें आपके टैलेंट के लिए ज़रूरी होता है, प्लेटफॉर्म ज़रूरी होता है। तीसरे लोग वे होते हैं जिनके पास ना तो पैसा है, ना तो समय है और ना ही सुरक्षा है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि सबसे ज़्यादा संख्या और लगभग 85% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, ना तो इनके पास समय है, ना इनके पास पैसा है और ना ही कोई सिक्योरिटी है। और इसमें आते हैं हमारे जैसे लोग जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हमें से बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और फ्रेंड्स, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जितना पैसा हम कमाते हैं ना, उतना ही हमारा महीने का खर्च है। यदि आप 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और अपने घर को चला रहे हैं, तो 30-40 हज़ार में तो आपका घर ही चल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। और इस 30-40 हज़ार रुपये कमाने के लिए आपको समय कितना लगता है? 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। यानी ना तो हमारे पास समय बचता है और ना ही हमारे पास पैसे बचते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं चौथे तरीके के लोग जो दुनिया में हैं, वो क्या हैं? जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास समय भी है, जिनके पास सिक्योरिटी, सुरक्षा और मान सम्मान भी है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है फ्रेंड्स कि ऐसे लोग सिर्फ 5% हैं। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी हो गए, इनके पास सब कुछ है लेकिन ये सिर्फ 5% के कैटेगरी में आते हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर हमें तीनों कैटेगरी को मिला दें, अपने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने आपको बताया था, उनको मिला दें, तो वो 95% वो पूरा बिलोंग करते हैं ये तीनों कैटेगरी से। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप बताइए, अगर आपके सामने साक्षात भगवान आ जाए और आपसे पूछे कि आप इस 5% पे रहना चाहते हैं, 95% में रहना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? हम लोग की चॉइस यही होगी ना कि हम लोग 5% वाले में चले जाएं, चाहे हमारे पास समय भी हो, पैसा भी हो, सिक्योरिटी भी हो, मान सम्मान भी हो। पर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से? इतना समय इनके पास आता कहाँ से? सिक्योरिटी कहाँ से आता है? मान सम्मान कहाँ से आता है? क्या वो ये जो काम कर रहे हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं 5% वाले, क्या हम 95% वाले कर सकते हैं? तो चलिए इसको हम लोग पता करते हैं। कुल मिला के फ्रेंड्स, कहना ये है कि जाना आपको दिल्ली है लेकिन आप बैठ चुके हैं किसी और ट्रेन में। मतलब आपको 5% में जाना है लेकिन आप काम कर रहे हैं 95% वालों का, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा, जो 5% में आते हैं वो जो कर रहे हैं वही हमें करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या वो बेसिक डिफरेंस है जो कि 5% वालों को हमसे अलग करता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। पहला क्या है, जो 95% में जितने लोग हम लोग आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, ये लोग टाइम सेल करते हैं। हम लोग अपना समय बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। अगर हम अपना समय नहीं देंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं, टीचिंग की जॉब है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई जॉब गलत है, लेकिन आप बस समझने के लिए इसको देखिए कि अगर आप मान लीजिए एक शॉप है, चलिए आपकी एक शॉप है, तो आप क्या करते हैं, 8 से 10 घंटे शॉप पे बैठेंगे और आपको पैसा भी तभी आएगा जब आप शॉप ओपन करेंगे, वहाँ पे बैठेंगे और सर्विस देंगे। और अगर नहीं बैठेंगे तो आपको पैसा भी नहीं आएगा। यानी ये टाइम को सेल करते हैं और पैसा कमाते हैं, ठीक। अब इधर वाले जो लोग होते हैं, जो 5% वाले लोग होते हैं, ये टाइम को सेल नहीं करते, ये टाइम को कंपाउंड करते हैं। यानी एक दूसरे के समय को खरीद लेते हैं। हमारे आप जैसे टैलेंटेड लोगों से समय खरीद लेते हैं। जैसे अगर आप बात करें मुकेश अंबानी जी का, टाटा बिरला का, रिलायंस का, तो इन लोगों ने क्या किया है, एक सिस्टम डेवलप किया है और हमारे आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का टाइम खरीद लिया है। यानी ये जब भी काम करते हैं, इनका वर्किंग आवर हमेशा 24 घंटे से ज़्यादा होगा। और यदि हम इधर के लोगों की बात करें, 95% वाले लोगों की बात करें, तो ये टाइम सेलिंग करके, प्रोसेस करके, काम करके अपना पैसा, अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 15 घंटे की नौकरी कर सकता है। मतलब एक नौकरी कर रहा है, बाद में पार्ट टाइम जॉब कुछ कर ले रहा है, तो 15 घंटे का मैक्सिमम ये काम कर रहा है 24 घंटे में, ठीक है। और जो 95% हम लोग हैं, जो हम लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं मनी को। यानी अगले महीने अगर हमें पैसा चाहिए तो हम फिर से अगले महीने जॉब पे जाते हैं। यानी जितनी बार आपको पैसा चाहिए उतनी बार आपको नौकरी पे हर महीने लगना पड़ेगा और 30 दिन बाद आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये होता है एक्टिव इनकम। यानी आपको अगले महीने पैसा चाहिए
तो चलिए जॉब पे जाइए, उसके नेक्स्ट मंथ में पैसा चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए भाई, तो फिर जॉब पे जाइए। और यानी आप जब जब काम करेंगे तब तब आपको पैसा मिलेगा, और जब जब काम बंद कर देंगे तो आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। अब देखिए इधर आइए, टाटा बिरला साइड में आइए, यानी कि 5% लोगों के बीच में आइए। ये लोग क्या करते, ये रिक्रिएशन ऑफ मनी नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसे काम के बारे में ये सोचते हैं और कि वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाए। ठीक है, अगर काम ऑटोमेटिक हो रहा है वहाँ से उनको इनकम आएगी, इस इनकम को हम पैसिव इनकम कहते हैं। यानी काम आपने एक बार कर दिया और वो काम बार बार होता है, उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मकान आपने एक बार मेहनत करके बना दिया, और जब तक मकान आपका है, आप इस दुनिया में हैं और आप उसमें रहते हैं, फिर क्या करते हैं, आपका एक फ्लोर खाली पड़ा है, आप उसे किसी को रेंट पे दे दिए, तो आप क्या करेंगे, उससे आपको रेंट मिलने लगेगा, बिना कुछ किए आपको पैसिव इनकम आने लगेगी। क्या हम लोग के पास अपना मकान है? ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये आपका पैसिव इनकम हो गया। ठीक, अगर आपने एक होटल बनवा दिया, तो एक बार आपने काम किया, मेहनत किया, होटल बनवा दिया, लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं और आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक, ये आपको अच्छा लगेगा। अब तीसरा तरीका ये है कि आप मुख्य मुद्दा ये है कि लोग क्या करते हैं, शुरुआत अकेले करते हैं। अगर आप कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसमें आपको शुरू में आप अकेले ही होते हैं, लेकिन लोग आपसे जुड़ते हैं, धीरे धीरे आपसे जुड़ने लगते हैं। ठीक है, और जब वो दुनिया से जाते हैं तो इनके नीचे कुछ लोग काम करते रहते हैं। आज धीरू भाई अंबानी नहीं है तो क्या रिलायंस बंद हो गया? नहीं, रिलायंस आज भी है, वो सिस्टम आज भी काम कर रहा है, उनके बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी उस फल को खा रहे हैं और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो अब हम आपको एग्जांपल से इसको और बताना चाहते हैं। मान लीजिए कि 95% वाले लोगों की, एक हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक डॉक्टर जो है अपने जीवन की शुरुआत क्या करता है, शुरू जीरो से करता है। ठीक, पढ़ता लिखता है, डॉक्टर बनता है, फिर किसी हॉस्पिटल में एज अ ट्रेनर ट्रेनी ये काम करता है ना, जो भी आप लोगों को तो पता ही होगा सब कुछ। तो फिर उसके बाद वो अपना सीएमओ पोस्ट तक, मैक्सिमम वो क्या करेगा, सीएमओ पोस्ट तक जाता है। अब उसका, और यहाँ पे उसकी इनकम क्या हो गई, 5 लाख रुपए हो गई। अब फ्रेंड्स आप ये बताइए, उनका बेटा एक है, वो बड़ा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि बेटा अगर डॉक्टर नहीं बनता है तो क्या सीएमओ की पोस्ट से उसे कोई फ़ायदा मिलेगा? यानी जो का बेटा वो कहाँ से स्टार्टिंग करेगा, वो भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करेगा, वो भी पहले पढ़ाई करेगा, फिर डॉक्टर लाइन की पढ़ाई करेगा, उसके बाद किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करेगा जैसे उनके पापा ने किया, फिर उसके बाद वो अपना पढ़ाई करते 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 वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपके, मान लीजिए कोई पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी है, वो क्या है, ठीक है, सबका कहने का ये मतलब है कि हम नौकरी करते हैं तो उस नौकरी से हमारे परिवार को एक इनकम तो मिलती है, लेकिन और सिक्योरिटी है ये नहीं मिलता कि हम ये नौकरी ना रहें तो मेरे बच्चे को मिल जाए, तो ऐसा कोई भी फैसिलिटी हमें नौकरी नहीं देती है। ठीक है, अगर टैलेंटेड होंगे तो आगे बढ़ेंगे, टैलेंटेड नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर ऐसा पोस्ट सिर्फ पिताजी के काम आया, हमारे काम नहीं आए, जो कि मैक्सिमम हम देखते भी हैं। अब आइए 5% वाले लोग क्या करते हैं। इधर के लोग अपने जीवन की शुरुआत अकेले करते हैं, और जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया धीरू भाई अंबानी का, उन्होंने शुरुआत की थी, कोई कहता फल फ्रूट जूस बेचते थे, कोई कहता है कि वो कपड़े की शॉप लगाते थे, तो जो भी, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो उनकी तो करोड़ों में इनकम हो चुकी थी। तो जब वो यहाँ से गए, जब उन्होंने शुरुआत की ज़ीरो से, उन्होंने भी शुरुआत ज़ीरो से की, लेकिन जब वो गए इस दुनिया से तो अपने नीचे उनके काम करने वालों की एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो चुकी थी, वो अकेले काम नहीं कर रहे थे, उनकी जो 5 लाख की इनकम थी वो अकेले उनके बल पर नहीं थी, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, उसके तहत कुछ लोग उस काम में लगे हुए थे और उन्होंने मिलकर के इतनी इनकम जनरेट की थी। धीरू भाई अंबानी का जो 24 घंटे का काम था वो 24 घंटे का नहीं था, अगर उसे आप मल्टीप्लाई करते, मान लीजिए उनके कंपनी में 5,000 लोग होंगे, तो आप 24 घंटे को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इतने 1,000 घंटे काम रोज होते थे। अब फ्रेंड्स ये बताइए,
उनके बाद उनका बेटा है मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, तो क्या उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करी है? क्या उन्होंने वही स्ट्रगल किया जो उनके पिताजी ने किया था? नहीं, उन्हें बना बनाया एक फिक्स इनकम प्लस बनी बनाई टीम के साथ उन्होंने एज अ चेयरमैन जो भी अंबानी फैमिली का एक जो पूरा विरासत है उसके साथ उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटी की जो ज़िंदगी है वो कहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ से उनके पिताजी विरासत छोड़ के जाते हैं। और 95% लोगों में क्या होती है कि वो बार 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 उनका कमाने वाला ही सिस्टम चलता रहता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि 5% वाले एक टीम बना के काम करते हैं और जो इधर हैं वो अकेले 95% वाले अकेले अपने बल पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो हमें जाना है 5% की कैटेगरी में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों हमको भी 24 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हमको भी टीम बनानी होगी, 24 घंटे से ज़्यादा काम करना होगा तो क्या क्या तरीके हैं टीम बनाने के? तो आज कुछ तरीकों पे हम बात करेंगे, जैसे कि पहला तरीका क्या टीम बनाने का, वो है पैसा। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप टीम बनाकर काम कर सकते, कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, बस एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल दीजिए। फॉर एग्जांपल बनारस में आपने हेरिटेज हॉस्पिटल देखा ही है, वो जिनका भी है वो व्यवसायी है, वो डॉक्टर नहीं है, उनके अंडर में डॉक्टर काम करते हैं। उन्होंने डॉक्टरों को क्या कर दिया वहाँ पे एज अ मतलब उनको जॉब प्रोवाइडेड है, डॉक्टर वहाँ जाके काम करते हैं। और जिनका हेरिटेज हॉस्पिटल है, जिनकी वो बिल्डिंग है, जिनकी वो फैसिलिटीज़ है, उनको पैसा जाता है। तो अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो शायद हम ये वीडियो ना देख रहे होते, ना बना रहे होते। तो अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। और दूसरा है, अब डॉक्टर को क्या करना है आपको, डॉक्टर बुला लीजिए, कुछ विदेशों से इंस्ट्रूमेंट मंगा लीजिए डॉक्टर्स के, और कुछ क्वालिफाइड डॉक्टरों को हायर कर लीजिए और अपना हॉस्पिटल रन करिए। लेकिन इतना हमारे पास पैसा होता तो कोई बात ही नहीं थी। अब 10 घंटे का काम 10,000 लोग कर रहे हैं, 10,000 मल्टीप्लाई 10, तो आप देख सकते हैं कितना काम होता है और इनकम आप देख ही रहे हैं वहाँ का। तो हमने या फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। और इधर दूसरी तरह हम और आप लोग हैं जो हम लोग 10 घंटे की 12 घंटे की नौकरी करते हैं, तो आप ये बताइए कि जो 10,000 घंटे काम कर रहा है उसका इनकम ज़्यादा होगा कि जो 10 घंटे काम कर रहा है उसकी इनकम? सपने हमारे उनके जैसे होते हैं लेकिन हमारी कार्यशैली जो होती है उनके जैसी नहीं होती, वैसा सिस्टम हमारे पास नहीं होता। नाउ फ्रेंड्स, सेकेंड तरीका है अपना टीम बनाने का, वो है पावर। या हम डॉन बन जाएं और अपनी टीम बना लें, हमारा काम होता रहेगा बिना हमारे कुछ एक्शन किए हुए। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक अनैतिक तरीका है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है पैसा कमाने का। तो इस तरीके के बातों को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमें नहीं लगता कि हम लोग ऐसे काम कर सकते, ना हम लोग इतने पावरफुल हैं, तो हम लोग की अपनी टीम कैसे बनेगी, टीम हम लोग की नहीं बन सकती। या फिर हम ये करते हैं कि हम बहुत बड़े एक्टर बन जाएं, राइटर बन जाएं, म्यूजिशियन बन जाएं, या फिर सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर बन जाएं, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर बन जाएं, जिनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, जिनका अपना एक नेटवर्क है, तो वो जो भी काम करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उनका बना बनाया एक नेटवर्क है। आप ऐड वगैरह में देखते होंगे जो अमिताभ बच्चन कमा रहे हैं, शाहरुख खान कमा रहे हैं, उनका क्या अपना एक फ़ैन फॉलोइंग है, ये लोग अपने फ़ैन फॉलोइंग से पैसा कमा लेते हैं। या फिर हम सचिन बन जाए, या फिर हम राइटर कोई बहुत फेमस राइटर या रहमान म्यूजिशियन बन जाए, तो इतने ज़्यादा अगर हम लोग टैलेंटेड हैं तो फिर हम लोग का अपना नेटवर्क बन जाएगा, हम लोग अपने हिसाब से पैसा कमाने लगेंगे। या फिर फ्रेंड्स, हम SDM बन जाए या DM बन जाए, IAS अधिकारी बन जाए, तो IAS अधिकारी को क्या फ़ायदा है कि इनको बना बनाया एक नेटवर्क प्रोवाइडेड कर दिया जाता है और उसके तहत वो काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो फिर बात ही क्या है। अगर ये सारे टैलेंट नहीं है तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और सुनते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ये जो भी लोग हम लोग बात करें ना, टैलेंटेड लोगों की, अंबानी जी की, ये लोग क्या करते हैं, सिस्टम के तहत काम करते हैं और ये सभी मार्केटिंग सिस्टम से जुड़े हैं। आप देखेंगे कोई भी ऐड आता है तो वो एक्ट्रेस तुरंत ले लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो हमें मार्केटिंग सिस्टम से जुड़ना होगा। और मार्केट के सिस्टम से जुड़ने के लिए हमें वो चीज़ों का ऐड करते हैं जो चीज़ें हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो टॉयलेट क्लीनर का ऐड करते हैं, वो बिस्किट का ऐड करते हैं, 1 रुपए के ऑयल का ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक मार्केटिंग सिस्टम है जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं ताकि उनको इनकम मिलती रहे, क्योंकि उनको पता है कस्टमर से ही पैसा आता है। आपको क्या लगता है, धोनी जी ने रिटायरमेंट ले लिया तो क्या उनकी इनकम बंद हो गई? नहीं, वो आप देख
का ऐड करते हैं और पेंट का ऐड करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं? मार्केट से जुड़े हुए हैं ना, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। मार्केटिंग बहुत अच्छी एक सर्विस है, लेकिन लोग उसे बहुत ही नीची नज़रों से देखते हैं कि अरे मैं ये काम करूँगा, मैं इतना छोटा काम करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब थिंकिंग चेंज करने का समय आ गया है। मार्केटिंग सिस्टम दो तरीके की होती है, एक ट्रेडिशनल होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको कोई सामान चाहिए, जाइए अपने घर से बाहर किसी शॉप पे, वहाँ से उसको परचेस कर लीजिए, ठीक है। अब जो दुकानदार है वो फैक्ट्री तो खोला नहीं है, वो भी सामान किसी और से लेके आता है, जिसे हम रिटेलर कहते हैं। रिटेलर ने भी कोई फैक्ट्री नहीं बनाई है, वो होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर ने भी कोई फैक्ट्री नहीं डाली, वो कंपनी से लेके आता है। तो ये जो बीच के जो ये है ना मिडिल मैन, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना भी जो खर्चा पानी है वो प्रोडक्ट के साथ जोड़ देते हैं, फिर उसका ऐड करवाते हैं किससे, सेलिब्रिटीज से, कि एक सेकंड का लेते होंगे एक करोड़, एक करोड़ तो बहुत कम है, आई थिंक करोड़ों रुपए ये लोग लेते हैं। तो ये करोड़ों जो देते हैं, तो क्या कंपनी वाला जो है वो अपनी जेब से देगा? नहीं, वो आपसे हमसे ही लेता है। जो आप साबुन देखते हैं 10 रुपये का 20 रुपये का, क्या उसकी ओरिजिनल कीमत उतनी है? उतनी नहीं होती फ्रेंड्स, वो 4-5 रुपये का ही होता है, लेकिन सारे खर्चे जोड़ के वो 10 रुपीज़ में हमारे और आपके पास आता है। हम लोग बड़े खुशी खुशी खरीदते भी हैं। हमें लगता है कि ये साबुन लगाने से हम की तरह टैलेंटेड हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे और तरह स्टंट करने लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कभी करके देखिएगा भी नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मार्केटिंग है। यानी फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ काम क्या हो रहा है, कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, हम आप उसे यूज़ कर रहे हैं, और बीच में जो स्टॉकिश है, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी से सामान उठाते हैं, हमारे यहाँ तक पहुँचा देते हैं। यानी अगर एक तरीके से देखें तो ये लोग कुरियर का काम करते हैं, यहाँ से सामान उठाते हैं, हम तक पहुँचा देते हैं। और इसका अगर हम देख लें तो 35% और 25% को जोड़ दें, 35% आपका ऐड में चला जाता है और 25% आपका ये लेते हैं स्टॉकिश, रिटेलर और शॉप वाले ले लेते हैं। तो इन लोग को अमाउंट जोड़ दीजिए, टोटल 60% आपका एक्स्ट्रा पैसा हम लोग देते हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में आपको बताएं जिसमें सिर्फ कंपनी हो, मतलब जो प्रोडक्ट है वो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर हो और आप हो एज अ कस्टमर, मेन तो यही दो लोग हैं इसमें, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर और एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट यूज़ करके पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो अगर हम आपको ऐसी सिस्टम बता दें तो आप सीधे जाइए वहाँ से, वो सामान ओरिजिनल उसका जो कॉस्ट पड़ा है उस कॉस्ट पर ले करके अपने घर आइए, तो आपका जो ये 60% पैसा जो जाता है, जो आपके घर के बड़े कमाने जाते हैं, खून पसीना कहते हैं ना, गर्मी में जा रहे हैं, ठंडी में जा रहे हैं, बारिश में जा रहे हैं, आंधी तूफान में जा रहे हैं पैसा कमाने, वो पैसे की वैल्यू समझ के आप पैसा अपना बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताती हूँ उस ग्रुप के बारे में जिसका नाम है मोदी केयर ग्रुप। अब आप ये सोचेंगे मोदी केयर क्या करता है, तो ये एक ऐसा ग्रुप है, कंपनी है मोदी केयर, और ये क्या करती है, प्रोडक्ट्स को या और सीधे अपने कस्टमर को देती है। ना तो कोई यहाँ पे आपको होलसेलर मिलेगा, ना रिटेलर मिलेगा, स्टॉकिस्ट, और ना ही एडवर्टीजमेंट करने वाले कोई भी सेलिब्रिटीज आपको देखने को कभी भी इसका, इस कंपनी का एड आप कभी भी टीवी पे नहीं देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो आपका 60% जो पैसा बचा ना, ये मोदी केयर आप में शेयर करता है, हम लोगों में शेयर करता है, जो मोदी केयर से जुड़ जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट लेते हैं, डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, एक सुबह से लेकर दूसरे मॉर्निंग तक, मतलब एक मॉर्निंग से दूसरे मॉर्निंग तक के सारे प्रोडक्ट्स मोदी केयर में हैं। आपकी ज़रूरत की चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है मोदी केयर में, आप लीजिए, कस्टमर बनिए, उसके लॉयल कस्टमर बनिए, बहुत सारे ऑफर्स का फ़ायदा उठाइए और एज अ बिजनेस भी इसको आप करिए। तो फ्रेंड्स, जो सेलिब्रिटीज जो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं, उनको अब अमीर बनाना छोड़ दीजिए और ख़ुद को अमीर बनाने पर काम करिए। और ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, हमें ये जो बीच के है ना, सब लोग बिचौलिए स्टॉकर, होलसेलर और ये एडवर्टीजमेंट करने वाले सो एंड सो कॉल सेलिब्रिटीज़, तो इनको बीच से हटा दीजिए। ये काम अब आपको हमको करना है, हम लोगों को एडवर्टीजमेंट करना है, जो कि आई थिंक बहुत आसान है, क्योंकि शेयरिंग हम लोगों का नेचर होता है। हम लोग कहीं अच्छा खाना खा के आते हैं, उस रेस्टोरेंट के बारे में शेयर कर देते, अपने जगह से खाना अच्छा खाया, आप भी वहाँ जाइए। क्यों, क्या उसने आपको कहा रेस्टोरेंट वाले? नहीं, ये हमारा नेचर है, ये हमारा बाई बर्थ नेचर होता है। हमें कहीं की कपड़ा, जालान का कपड़ा पसंद आ गया, देखिए मैंने जालान का ऐड कर दिया आप लोगों को। अब जो जो भी ये वीडियो सुनेगा वो जालान जरूर एक बार देखने जाएगा कि भाई इसका नाम इतना फेमस है तो देखना चाहिए। तो ये हमारा बाई बर्थ नेचर होता है शेयरिंग करना, अच्छी चीज़ों की शेयरिंग हम लोग करते हैं।
और हम सभी लोग यूज़र हैं, हम सभी लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से। हम सभी लोगों का काम है कि हम लोग प्रोडक्ट जाके मार्केट से खरीदते, चाहे हम लोग नौकरी करें, जॉब करें, हाउसवाइफ हो, दुकानदारी करें, हम सब कंज्यूमर हैं, कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना, एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर बन जाना है मोदी केयर का, अपने आधार कार्ड से लिंक करके। रेफरल कोड का मैंने आपको जितने भी मैंने अभी स्लाइड शो की वो सारे यूट्यूब पे मेरे हैं, आप वो सारी चीज़ें देख लीजिए। बहुत शॉर्ट में है, बहुत ही सॉलिड नॉलेज है, ज़्यादा इधर उधर की फॉर्मेलिटीज़ और भूमिका बांधना मैं नहीं करती हूँ। फटाफट उसमें आप देख के मोदी कैसे ऐड होइए, मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, आप मोदी कैसे में एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर बन जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अपना काम शुरू करिए। और सारे बेनिफिट्स मोदी केयर के सारे बेनिफिट्स से बहुत सारे इनकम है, सारे चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी। और इस तरीके से पहले आप अपने माइंडसेट को तैयार करिए और मोदी केयर से जुड़िए और इसके फ़ायदे को देखिए। बहुत होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, कंपनी आपसे पैसा ले रही है, आपको प्रोडक्ट दे रही है, आपसे कुछ नहीं ले रही, वो आप पैसा दिए आपको प्रोडक्ट मिला मोदी केयर से, तो प्रोडक्ट तो आपने ले लिया ना उस कॉस्ट का। तो एक बार ट्राई करिए, बस देखिए कि ये कैसा प्रोडक्ट बनाती है, कैसा कंपनी है, और इससे जुड़िए, आगे बढ़ते रहिए। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।